मेरी पत्नी संजना। मलेशिया में जो सुमित्रा जी और विश्वनाथ जी हैं उनकी बेटी। हमने एक दूसरे से प्यार करके शादी की। पहली बार जब मैंने संजना को देखा तो सोचा कि शादी सिर्फ इसी से करूंगा। ए, चार दिनों से देख रही हूँ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ। मैं थैंक्स बोल के तुम्हारे साथ पार्क में घूमूंगी, पब चलूंगी, फिल्म देखने चलूंगी या ऐश करना होगा? जरूरत नहीं, बस शादी कर लो काफी है। मैं बिजनेस करता हूँ, पैसे बहुत कमा लिए हैं, लाइफ में सब कुछ है। वो सब शेयर करने के लिए मेरे साथ तुम जैसे खूबसूरत लड़की हो तो सोचा मजा आएगा। अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारे पेरेंट्स जो भी लड़का ढूंढेंगे उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करूंगा, इसीलिए मैं ही बेहतर हूँ। डोंट वरी, मुझसे ज्यादा तुम्हारी देखभाल करने वाला लड़का चीखो चिल्लाओ तो भी नहीं मिलेगा। लव एट फर्स्ट साइट यार, तुम्हारे यस कहने तक मैं नहीं छोड़ूंगा, पीछा करता ही रहूंगा। ओके बाय। संजना ने जब तक यस नहीं कहा मैं पीछा करता ही रहा। मैं शादी के बारे में सोच नहीं सकती, पढ़ाई खत्म होने में 2 साल बाकी हैं, तब तक प्यार करते रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? No problem. और इस तरह भगवान के सामने हमारा प्यार शादी में तब्दील हो गया। मेरे सारे कपड़े छुपाओगे तो क्या सोचा मैं कुछ भी नहीं पहन पाऊंगी? ए, मेरी शर्ट क्यों पहन रही हो? मुझे ये पहन लो ना। हाँ, मेरी शर्ट दो। ए, नहीं दूंगी। कम ऑन, कहाँ जाओगी? With this, we shall conclude the meeting. Thank you very much for your participation. Thank you. Okay? Sanjana, क्या कर रही हो? तुमसे प्यार कर रही हूँ। बोलो कल क्या है? कल? December 27th, Monday. नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी का एक important day. बताओ क्या है? हम दोनों पहली बार मिले थे, वो दिन है क्या? No. तो जब हमने first kiss किया था, वो दिन है? नहीं। तो हमारी शादी की एनिवर्सरी है। अरे बाबा, मुझे छोड़ के सिर्फ तुमसे मायने रखने वाला एक इम्पोर्टेंट डे है, वो क्या है? तुम्हें छोड़ के कोई भी दिन मेरी जिंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं है संजना। आई लव यू गौरव। आई लव यू टू। कल तुम्हारा बर्थडे है, शहर में रहोगे तो काम काम कहकर तुम सेलिब्रेट करने नहीं दोगे, इसलिए मैंने हमारे हनीमून वाले रिजॉर्ट में बढ़िया इंतजाम किया है, तुम फौरन यहाँ चले आओ, समझ गए? अच्छा तो ये बात है, मैं बस अभी आया। तुम कहाँ हो? ऑफिस में? कार में हूँ। ए, तेज मत चलाना। मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मेरी बात मानो, रैश ड्राइविंग नहीं करना। तुम इसी तरह बात करती रहो, मैं 3 घंटे का सफर 3 मिनट में पूरा करूंगा। ओके? अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं सकूंगी। तुम हंसती हुई मेरे आंखों के सामने रहोगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। और क्या? अच्छा सरप्राइज। संजना, ये कैसी आवाज है? संजना! लाखों लोगों के साथ साथ मेरी संजना की भी जान ले ली उस सुनामी ने। संजना की यादों को भुलाने के लिए उसकी तस्वीरों को भी छुपा दिया था उसके पेरेंट्स ने।
संजना भले इस दुनिया से चली गई हो, लेकिन अब भी वो मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है। इसीलिए मैंने पूरी तरह बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करके प्यार, अपनापन, अटैचमेंट, सेंटिमेंट जैसे जज्बातों को इस कमरे में दफना कर बंद कर दिया। फिर कभी इसे खोलने की कोशिश मत करना। गो गो। उसे हमारे ऑफिस में रहने के लिए बोल दीजिए ना। मैंने उसे कहा था, लेकिन वो यहां रहना चाहती है। आप कंगुलाल है ना? हाँ। मैं अनु का दोस्त हूँ। अनु को प्यार की जरूरत है, पिता होने के नाते वो आप दीजिए। अनु को अनाथ आश्रम से बाहर ले आइए और किसी अच्छे लड़के से शादी करवाइए। मैं चाहता हूँ कि वो शादी करके खुशी से रहे। बचपन से जो परिवार का सुख उसे नहीं मिला, वो सुख अब उसे मिलना चाहिए। उसके लिए जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। होने वाले दामाद के पैर धो के उसके हाथों में बेटी को सौंप के उसकी देखभाल करने की विनती करते हैं पिता। वो जिम्मेदारी खुद लेकर मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं? आप देवता हैं, देवता। अब और कुछ मत कहिए, मेरे साथ चलिए।